वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज मेरा ब्लॉग होगा एकदम धमाका ब्लॉग होगा, आप लोग मेरा वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। और जिसको जिसको मेरा वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, और जो नया लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करना और लाइक भी कर देना और बेल आइकन का दबा दे देना, क्योंकि आप लोगों को नया नया नोटिफिकेशन मिले। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग का ट्रेन आ गया, अभी हम लोग इस ट्रेन से जाएगा, अभी ये ट्रेन आ रहे हैं हम लोग, ये ट्रेन हम अभी रुंगिया तक जाएगा, रुंगिया से फिर दूसरा ट्रेन पकड़ेगा बोरपेटा के लिए, बोरपेटा जाने के लिए। तो आप लोग देखिए ट्रेन आ गया। नहीं ये जगह है, अरे इच्छा करूँगा ओपर हंग हाँ रोमिया ले मुनाम मुनाम फिर मैं अभी रुंगिया पहुँच गया, मैं रुंगिया से फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के जाएगा। तो आप लोग देखिए ये रुंगिया हम रुंगिया है, समोसा है भाई, समोसा समोसा हाईवे रोड पे आ गया, अभी बस के लिए बस इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी भी बस नहीं आया, तो आएगा तो मैं बस में जाते जाऊँगा, अभी मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बस में अभी बस नहीं आ रहा है, तो बस आएगा तो मैं जाऊंगा बस से पाँच चला तक। फिर लोगों अभी सिखा रहे हैं वो, मतलब कंपू सीख रहे हैं। अभी ये भाई जो बिजनेस कर रहे हैं तो रोड के सामने वो दुकान भी मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग देखिए ये भाई है, ये बोल नहीं सकते, ये फिर भी ये बिजनेस कर सकते हैं, ये उसका ये दुकान है, ये सब कुछ उधर मिलता है, बेल सर जो भी वो मतलब ये यहाँ का भी बिजनेस कर रहे हो रोड का सामने छोटा मोटा, फिर भी वो बोल नहीं सकते लेकिन समझ में आता है उसको, इतना मतलब सुन तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकते फिर भी, लेकिन समझ में आते है और सब कुछ वो पढ़ भी सकते है, मैं जो मैं आंसर देगा वो लिख कर वो मेरे को रिप्लाई देता है मोबाइल में लिख कर, तो मैं उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बताऊँगा। तो गाइस आप लोग देखिए उसके बाद अभी कस्टमर आया है लेकिन फिर वो इतना बोल नहीं सकता है, उसको उसको बोल बोलने के लिए नहीं आता है, फिर भी वो समझ में आता है, वो अभी बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए ये डांगारे पेट दिया
মানে ইমান কথা কব নাজানে লিখি লিখি কৈছে আৰু সি মানে মানে কিমানত দিব দিব পাৰিব ऐसे भी बंदा रहता है जो हम सब कुछ समझ लेते हैं, जो मतलब उसका जो दाम है रेट है वो सब मोबाइल में वो लिख कर देता है और जो कस्टमर लोग आएगा तो उसको समझ में आता है हाँ ये इतना है तो वो इतना से दे सकेगा। तो ये भाई को मुझे मिल के थोड़ा अच्छा लगा भाई। अभी ये भैया ने मुझे बोला है, मुझे समझ में आया, मैं आप लोग अभी मैं रिप्लाई दे देगा। पहले वो उस पार में रोड का सामने उस पार में पहले वो सट्टा लगा के वो छोटा मोटा मतलब दुकान में देकर वो बिजनेस कर रहा था। तो ये भैया को मुझे बहुत खुशी आया, ये बहुत दिल से वो बिजनेस कर रहे हैं। मौसम में ये सब जो बहुत सेल होता था तो अभी ठंडा का मौसम में इतना नहीं है, अभी फिर चला गया, फिर वो ऐसे ही रह गया। फिर नेक्स्ट साल में सेल होगा, अभी उसको रखेगा वो घर में रख के आएगा कभी कभी, मतलब वो अभी घर में रखेगा तो ये बोल रहे कि थोड़ा और दो तीन घंटे के बाद मैं चला जाएगा क्योंकि यहाँ यहाँ का मौसम इतना अच्छा नहीं है,
बारिश कभी कभी भी आ सकते हैं। बारिश बारिश आते समय तो उसको बहुत ठंडा लगता है और मच्छर सच्चर भी आ जाता है, मतलब हाथ में ये सब काट देता है। तो वो मुझे ये बोल रहा था, लेकिन मैं आप लोगों में रिप्लाई दे रहा हूँ। ये भैया जो क्या क्या बोल रहे हैं वो आप लोग देख कर मुझे कमेंट देना कि कैसे लगा, और जो भैया ये कैसे क्या ये सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट करके देना। और जो नया बंदा लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये भैया की तरफ से मुझे सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, और मैं आप लोगों को ऐसे नया नया वीडियो लाते रहेगा। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना रहेंगे, तो भैया थैंक यू, फिर कभी मिलूंगा। हाँ मैं फिर वापस आऊँगा, मैं 1 मंथ रहेगा, फिर मैं आएगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा, आपसे मिलूँगा। हाँ तो गाइस आज के लिए मेरा वीडियो इतना है, बाय बाय।